हेलो स्टूडेंट्स, तो अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था 8th चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था गति, ठीक है। 8th चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हम उसी के आगे वाला चैप्टर लेने वाले हैं 9th चैप्टर, ठीक है। चैप्टर 9 हम स्टार्ट करेंगे फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन। आज मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा इस चैप्टर का, मैं आपको डाल देता हूँ चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 9 फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। वही अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो बल तथा गति के नियम, यहां पर मैं लिख देता हूं बल तथा गति के नियम, ठीक है। तो यार चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो उसमें भी, और अगर हम देख रहे हैं नॉर्मली नॉलेज के बेसिस पर तो उसमें भी ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन, मोशन के जो लॉज हैं उनके बारे में हमें पता ही होना चाहिए, ठीक है। लास्ट लेक्चर में या फिर लास्ट चैप्टर की अगर हम बात करें तो लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी। मैंने आपको बताया था कि मोशन की तीन इक्वेशंस होती हैं, वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन अपॉन में 280 स्क्वायर, और उसके बाद वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस तरीके से तीन इक्वेशंस मैंने आपको बताई थी। अब इन्हीं तीन इक्वेशन के बेसिस पर अगर हम देखें तो न्यूटन ने तीन लॉ दिए थे, ठीक है। मोशन के कितने लॉ दिए थे उन्होंने? तीन लॉ दिए थे। इन तीनों लॉज को हमें यहाँ पर स्टडी करना है, ठीक है। स्टार्ट करेंगे जब चैप्टर को हम, तो सबसे पहले हम फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि फोर्स क्या होता है, ठीक है। मास इनटू एक्सेलरेशन ये इसका फॉर्मूला होता है। तो फोर्स क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है? दो टाइप के फोर्सेस की बात करेंगे, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स, मतलब संतुलित बल और असंतुलित बल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद गति का प्रथम नियम पढ़ेंगे, ठीक है। मोशन का जो फर्स्ट लॉ है वो पढ़ेंगे कि उसमें क्या बताया था न्यूटन ने। इनर्शिया स्टेट क्या होती है, ठीक है। जड़त्व क्या होता है और द्रव्यमान क्या होता है, इन दोनों में रिलेशन। फिर गति का दूसरा नियम हम पढ़ने वाले, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम पढ़ेंगे। इसके बाद गति का तीसरा नियम भी हम पढ़ेंगे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। इन तीनों लॉज को पढ़ने के बाद हम संवेग संरक्षण पढ़ेंगे, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है हम ये देखेंगे। इसके बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, वो न्यूमेरिकल्स करने में भी बहुत मजा आएगा क्योंकि ये हमारी सब डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये तीनों लॉज और मोमेंटम वाला जो टॉपिक है ये मैक्सिमम हमें 3 से 4 दिन में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा 9th चैप्टर, ठीक है। इसमें इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा और हमारे न्यूमेरिकल्स जो भी हैं वो भी कंटिन्यूस इसमें चलते रहे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 8th चैप्टर में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, वैसे भी मैं आज 8th चैप्टर के आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। जो भी उसके परीक्षा बोर्ड में टिक करके क्वेश्चंस वगैरह हैं और ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आज मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो आज चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इसका पढ़ते हैं हम फोर्स, और हम देखते हैं कि संतुलित और असंतुलित बल क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं फोर्स की, फोर्स क्या होता है। तो देखो, अगर मैं किसी भी चीज की बात कर रहा हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट पर किए हुए वर्तनन को हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट पर मैं एनर्जी अप्लाई कर रहा हूँ या फिर मैं एनर्जी लगा रहा हूँ तो वो क्या है? बेसिकली फोर्स ही है, ठीक है। मैं यहाँ पर अभी डस्टर से ये सब कुछ रफ कर रहा था तो मैं इस डस्टर पर क्या लगा रहा हूँ? फोर्स लगा रहा हूँ, तभी ये रफ हो रहा है, ठीक है। अगर मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा, मैं इसको इस पर रखकर छोड़ दूंगा तो ये नीचे की तरफ गिर जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर क्या लगा रहा हूँ? फोर्स लगा रहा हूँ। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ठीक है। क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स मतलब बल की अगर मैं बात करता हूँ तो बल किसके बराबर होता है? द्रव्यमान, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनखंड के बराबर होता है, दोनों का प्रोडक्ट होता है। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यही फोर्स दो टाइप का होता है, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा कि फोर्स इक्वल टू क्या होगा?
लेकिन डेली कोर्स कितने टाइप का होता है? हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है बैलेंस्ड कोर्स और दूसरा क्या होता है हमारा अनबैलेंस्ड कोर्स। बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, संतुलित बल और असंतुलित बल, मैं दोनों यहां पर लिख देता हूं, इस पर मैं रख कर देता हूं। इसके बारे में हम समझते हैं, संतुलित बल क्या होता है, असंतुलित बल क्या होता है। दोनों में सबसे पहले एक एक करके टॉपिक लेते हैं। यहां पर लिया मैंने बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, संतुलित बल। वही हम सेकंड क्या लेने वाले हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स जिसे हम क्या बोलते हैं, असंतुलित बल, ठीक है, संतुलित बल और असंतुलित बल, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। इन दोनों फोर्सेस में अब हमें देखना क्या है, देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैलेंस्ड फोर्स से। तो बैलेंस्ड फोर्स क्या है? ऐसा फोर्स जो कि बैलेंस हो, ठीक है, ये हमारे किसी काम का तो नहीं होता, लेकिन ऐसा फोर्स, ऐसा बल जो कि क्या हो, संतुलित हो। मतलब एक मान लो कि यहाँ पर क्या रखा हुआ है, बॉक्स रखा हुआ है, मैं कुछ इस तरीके से बॉक्स बना देता हूँ। ये क्या है, एक बॉक्स है, गिफ्ट का एक बॉक्स है, ठीक है। एक गिफ्ट बॉक्स को मैं यहां से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, यहां से क्या कर रहा हूँ, इसको धक्का दे रहा हूँ, ये बहुत बड़ा बॉक्स है इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, धक्का दे रहा हूँ। तो यहां से मान लो मैं कितना फोर्स लगा दूं, यहां पर ए फोर्स में लगा दूं, ठीक है, जब मैं धक्का दे रहा हूँ उसको, इसको एक गिफ्ट बॉक्स को, तो वहां पर मैंने फोर्स बल कितना लगाया है, तो मान लिया मैंने ए बल लगाया है वहां पर। यहां पर एक और मान लो कि यहां पर एक आदमी खड़ा है, वो ए बल लगा रहे हैं इस पर, इस पर। वही यहां पर भी एक आदमी खड़ा है और वो बी बल लगा रहा है इस पर, सॉरी गिफ्ट बॉक्स पर। अब यहां से भी मैं धक्का दे रहा हूं और वो वहां से भी धक्का दे रहा है। अगर बैलेंस फोर्स है तो मतलब क्या, ए इज इक्वल टू बी, कि मैं जितना धक्का लगा रहा हूँ उतना ही धक्का अगर वो भी लगा रहा है, मैं जितना फोर्स लगा रहा हूँ, जितना बल लगा रहा हूँ, उतना ही बल वो भी लगा रहा है। तो इस टाइप के कंडीशन को या फिर इस टाइप के फोर्स को, इस तरीके के बल को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे, संतुलित बल बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर होगा कुछ भी नहीं, ये जो गिफ्ट बॉक्स है या फिर जिस पर भी आप बल लगा रहे हो, वो वहां पर उसी स्थिर अवस्था में रहेगा, रेस्ट पोजीशन में रहेगा, क्योंकि यहाँ से भी उतना बल लग रहा है, वहां से भी उतना बल लग रहा है, तो वो इधर भी नहीं जा सकता और उधर भी नहीं जा सकता, इसलिए वो उसी पोजीशन में रहेगा। इस तरीके के बल को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर संतुलित बल बोलते हैं। इस तरीके के फोर्स को हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अनबैलेंस्ड की तरफ। अनबैलेंस क्या होगा, तो मान लो यहां पर वही सेम गिफ्ट बॉक्स है, ठीक है, वही सेम गिफ्ट बॉक्स है, मैं यहां पर बना देता हूं। अब यहां पर बल लगा रहा है कौन, एक आदमी यहां पर खड़ा है वो बल लगा रहा है, यहां पर अपोजिट में एक आदमी खड़ा है और वो क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है, ये बी और ये ए, ठीक है। इस टाइप के फोर्स को हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस फोर्स, जब ए की वैल्यू बी से बड़ी होगी या फिर बी की वैल्यू ए से, सॉरी, या फिर बी की वैल्यू ए से बड़ी होगी, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स होगा। देखो मान लो मैंने यहां से धक्का लगाया, यहां से मैंने बल लगाया, फोर्स लगाया, वहां से जो फोर्स लगा रहे हैं उससे मैं ताकतवर हूं, मैंने ज्यादा फोर्स यहां से लगाया, तो गिफ्ट बॉक्स किधर की तरफ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा। इस टाइप के फोर्स को हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस फोर्स बोलेंगे। जब
तरीके के बल को या फिर उस बल को हम क्या बोलते हैं, संतुलित बल। जबकि दोनों से, दोनों तरफ से अलग अलग बल लग रहा है, एक तरीके एक तरफ से ज़्यादा लग रहा है, एक तरफ से कम लग रहा है, तो इस तरह के बल को हम क्या बोलेंगे, इस तरीके की प्रक्रिया को असंतुलित बल बोलेंगे। ठीक है, इस टाइप का आई होप ये वाला एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन याद रखना कि जब भी बैलेंस फोर्स वाली कंडीशन होगी, संतुलित बल वाली कंडीशन होगी, तो वहां पर ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट पोजीशन पर रहेगा, ऑब्जेक्ट कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, जितना फोर्स में लगा रहा उतना ही फोर्स वहां से लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा जैसा कंडीशन में है वैसी ही कंडीशन में रहेगा। लेकिन इस वाली कंडीशन में ऑब्जेक्ट एक कंडीशन में नहीं रहेगा, वो सिंपली दूसरी कंडीशन मतलब यहाँ से मूव करता जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, वो मोशन में होगा और यहाँ पर क्या होगा, वो रेस्ट में। ठीक है, यहाँ पर विराम अवस्था में होगा, और जबकि नीचे अगर हम देखें तो वो गतित अवस्था में होगा। ये है दोनों में डिफरेंस, संतुलित बल और असंतुलित बल आपको समझ में आ गया होगा। कल से हम गति के नियम पढ़ना चालू करेंगे, गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, और उसके बेस पर मैं कुछ आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी बताऊंगा। थैंक यू।